सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जब दुनिया के सामने आओ, जब आप लोगों सामने आओ, तब भारतीय संस्कृति का पता चलता है कि इंडिया में कितने अच्छे अच्छे से लोग हैं। आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, उससे इतना मैं उत्साहित हूँ, क्या बताऊँ। मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसलिए सभी सम्मानित दोस्तों का एक बार फिर दिल से, अंदर से दिल से थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों, आज हम दोस्तों एक ऐसा कंटेंट लेके आए हैं जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। शहर हो या गांव हो, हर उस घर की ज़रूरत है, बिना उसके हमारा आपका किसी का भी नहीं चलने वाला है। अगर आप फैक्ट्री डालने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप कोई भी छोटी सी मोटी फैक्ट्री डालते हैं तो भी आपको 8 से 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम उससे कम पैसे में वही चीज़, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी लेकर के मिल जाए, ऐसा हमको आइडिया मिल जाए, वो हम काम कर सकते हैं, तो सबसे बेटर होगा कि नहीं होगा। आप ज़रा अपना 2 मिनट का दिमाग ध्यान लगा के सोचिएगा दोस्तों, तो समझ में आएगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आज हम, आप जानते हैं, आप भी कोई ब्रांड लेने जाते होंगे, ये नहीं देखते होंगे कौन सी कंपनी बनाई है, कौन सी कंपनी नहीं बनाई है। जबकि 80% मार्केट में कंपनियां मार्केटेड बाई करके हैं दोस्तों, मार्केटेड बाई करके। सिर्फ अब उसमें सब कंपनियां पीछे भाग रही हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से। पैसा इन्वेस्ट करो, सब करो, एक कमरा लेकर के, एक गोडाउन लेकर के, वहीं से सब कंपनियां मार्केटेड बाई कर रही हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, ये बिजनेस अच्छा लगे, तो आप इसमें हाथ आजमा सकते हैं, हमारे विचारों से अपना विचार मिलाइए, अच्छा लगे तो इसमें आप देखिए। चलिए, हम बात करने वाले हैं आप दोस्तों वॉशिंग पाउडर के बारे में। जैसे हम, आप जानते हैं, निरमा जो है हमारे दैनिक उपयोगी की ज़रूरत हो गया है। इसमें 2-3 क्वालिटी आती है, लो, हाई और वो मीडियम। तो जैसे भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा लॉन्च 2-3 टाइप का ले लीजिए, बजट कम है तो एक ही साइड का ले लीजिए। जैसे थोड़ा सा एक और विचार करते हैं दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, कम से कम 1-2 लाख रुपया लगाएंगे उसके अपने दुकान का शोरूम बनाने में, उसका डिस्प्ले बनाने में। जब तक आपका दुकान का शोरूम बढ़िया से नहीं होगा, डिस्प्ले बढ़िया से नहीं होगा, कोई भी बिजनेस बढ़िया से नहीं चल सकता है। अगर हम उतनी ही पूंजी में, मान लीजिए आप दुकान लगाते, तो वहाँ पे भी आपको ग्राहक का वेट करना पड़ेगा। ग्राहक आएगा तब आपका सामान बिकेगा, तब आपकी इनकम शुरू होगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ उतनी ही पूंजी में एक अपना ब्रांड, अपनी मेहनत करें, हो सकता है कि आपको अपने ब्रांड लाने में, मेहनत करने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब आप समय देते हुए अपने ब्रांड को लोगों के बीच पहुंचा देंगे, अपनी क्वालिटी को लोगों के बीच पहुंचा देंगे, तो विश्वास मानिए दोस्तों, एक दिन आप कम मेहनत करेंगे तो भी पैसा आएगा। और घर से बैठ के जहाँ पर आप अपना मेहनत करके अपने ब्रांड बनाया, ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं चूँकि आप मेहनत ज़्यादा कर, फिर वहीं में आप एम्प्लॉय कर दीजिए, आप कम प्रॉफिट लीजिए तो भी आपका एक दुकान से ज़्यादा होगा दोस्तों। तो यही विचार हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, कंटेंट लाए हैं। चलिए, इसमें हम समय को ना वेस्ट करते हुए आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद फिर से दिल से। तो हम इस पे समय को ना वेस्ट करते हुए हम लाते हैं, मेन बात पे आते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों, आज के इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, आप 8वां 10वां पास हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र में आज ऐसा कोई नहीं है जो पास नहीं है। और उम्र की बात करें तो 18 साल के ऊपर के मेल एंड फीमेल सभी लोग कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है। बात अब करते हैं हमको और ज़रूरत की, तो मार्केटेड बाई, जैसे आप जहाँ से भी आप ऑफिस अपना डालते हैं, जहाँ से मार्केटेड बाई अपनी कंपनी को लॉन्च करते हैं, तो उसका अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो आप गांव देश कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, थोड़ा सा सिटी, पॉपुलर सिटी से आप करेंगे, तो होगा भाई एक कंपनी यहाँ की है तो आपके पास जैसा भी हो, जैसे बजट हो, आप अपने बजट के हिसाब से अलाउ कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पे करना चाहते हैं कि बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो सिटी, अच्छी सिटी का चुनाव आपको करना पड़ेगा, तो वो बेटर होगा। जहाँ से उसके लिए आपको एक छोटा सा रूम ले लेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इसको एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बनवा लेते हैं तो बेटर है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फीस 3000 होती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप
थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो जिस कंपनी से आप जब प्रोडक्ट बनवाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आपको कंपनियां छूट दे देती इस लाइसेंस के बेस पे, नहीं तो इसमें इस कागजात की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों कंपनी तीन कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, LLP, OPC और PVT प्राइवेट लिमिटेड। तो तीनों कैटेगरियों का कास्ट जो है सेम होता है, 20,000 से 25,000 रुपये CA लेते हैं। इसमें आप कम देसी भी करा सकते हैं। अगर इनको आप खोजना हुआ तो आप गूगल पे जाइए, कांटेक्ट करिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंसी, तो उन लोगों के नंबर आ जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उद्योग आधार नंबर। दोस्तों ये ऑप्शनल है, सरकार की एक बिजनेस बेस्ड साइड है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस मैन हैं, तो अगर उसमें आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो सरकार के द्वारा स्टार्टअप के अंतर्गत कुछ फंड मिलते हैं, जिसमें सरकार कुछ छूट प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, आपका जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक कुछ कम ब्याज पे, इस पे नियम के अंतर्गत कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। उसके बाद आता है जो मेन जरूरी काम है, GST नंबर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से माल लेते हैं, अदर स्टेट पे बेच रहे हैं, तो कंपनी आपका माल जब थर्ड पार्टी बनाएगी तो GST नंबर कंपलसरी होता है। ये फ्री आप कास्ट है दोस्तों, किसी भी जनसुविधा केंद्र से इसको आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो सेल्फ ऑफिस के एडवोकेट होते हैं फिनटेक्स के, उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो कुछ आपसे चार्ज लेकर आप फिर उनके द्वारा ले सकते हैं। बात अब आती है अगला, जहाँ से आपकी पहचान होगी, जो से आपकी कंपनी की पहचान होगी, आपका एक ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम दोस्तों यूनिक होना चाहिए, जिस तरह से आप देखते होंगे टाइड, एरियल, निर्मा, ये सब तमाम चीज़ें हैं, हुईल घड़ी, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, अपने अलग अलग पहचान के अलग अलग नाम बनाए हैं। तो आपको भी दोस्तों एक ऐसा यूनिक नेम अपने फैमिली में बैठ के या अपने यार दोस्त के साथ एक यूनिक नेम को चॉइस करिए, जो देखने में अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छा लगे, इजी भी हो, और उसका एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, जिस लोगों से आपकी पहचान होगी, आपकी कंपनी की पहचान होगी। इसलिए इसका जो है अट्रैक्टिव लोगो और नेम होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात आती है ब्रांड डिजाइन। अब आप जैसे जो पैकिंग साइज ले रहे हैं, आप अपने घर में कौन सा निर्मा यूज करते हैं इसको आप देख लीजिए, और दो या चार कंपनियों का मार्केट में निकल के थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, किसकी पैकिंग सबसे बेटर है, कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। ये सब डिजाइन करने के बाद उनसे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा यूनिक आप अपना नाम डिजाइन करवाइएगा, पैकिंग डिजाइन करेंगे, जिससे आपकी एक पहचान होगी, जिस दुकान पे रखा जाएगा वो पता चल जाएगा, भाई अरे ये तो वो ब्रांड का है, ये ब्रांड का वहाँ पड़ा पड़ा निर्मा है, उसको दे दो, तो इससे देखने से आपकी एक अलग पहचान होगी। हाँ, हो सकता है आपको अपने ब्रांड को बनाने में टाइम लग जाए, लेकिन जब आप जिस दिन अपने ब्रांड को आप बना देंगे, विश्वास मानिए ब्रांड आपको बना देगा। आज हम जिसका भी निर्मा आपके किसी के घर में, अगर चार पाँच फैमिली है तो वहाँ पे हफ्ते में 1 किलो तो लग ही जाता है, नहीं तो 10 दिन में लग जाता है। अब आप अच्छा सा निर्मा अगर ला रहे हैं तो 110 से 115 रुपये किलो है, तो सोचिए पैसा उनके घर जा रहा है, इंसेंटिव उनके घर जा रहा है। अगर उनके घर 10% भी जा रहा है, बाकी मार्केट में खर्च कर रही है कंपनी, तो भी 10 का 10 रुपये उसके पास जा रहा है। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, हम आप सोच भी नहीं सकते, तो कितना पैसा जा रहा होगा। है नहीं एक एक ही कंपनी, बहुत कंपनी है, लेकिन बहुत कंपनी है तो बहुत पब्लिक भी है, यूज भी हो रहा है, तो ये आप सोच नहीं सकते। तो डिजाइनिंग, जिससे आपकी पहचान होगी, और जब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग चाहेंगे तो वो सब चीज़ें आपको उस पर कंपनी जिससे बनवाएंगे, जो भी उसके निर्देश होते हैं सब आपको पैकिंग कर मतलब प्रिंट करके देगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा मार्केटेड वाइज, सिर्फ आप अपने डिजाइन को, अट्रैक्टिव पैकिंग को चॉइस करेंगे, ब्रांड नेम देंगे, बाकी जो कुछ भी निर्देश होता है, इंट्रक्शन होता है, वो सब कंपनियां फिलअप कर देती हैं। MRP भी आप चॉइस करोगे। अब MRP 2-3 तरह से वॉशिंग पाउडर आते हैं, जैसे निर्मा आता है, व्हील आता है, उसका 54-55 रुपये किलो है, घड़ी है 55-60 रुपये किलो है, यानी 60 के अंदर ये सब है, मीडियम वाले माने जाते हैं, और अगर आप हाई में चले जाएंगे, टाइट ले लेंगे, एरियल ले लेंगे, यानी 150-150 रुपये 100 के ऊपर ही है, 110-115, पैकिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर 4-5 किलो की पैकिंग है तो थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट करके दिए रहते हैं, लेकिन 110 से ऊपर ही ये सब निर्मा है, अच्छी क्वालिटी वाले।
तो आपको यहाँ पे आपके पास बजट है, ज़्यादा बजट है, आप किस एरिया में बेचना चाहते हैं, आप वीआईपी एरिया में बेचना चाहते हैं तो अच्छे वाले ब्रांड को लाइए, समय लगेगा लेकिन तब भी बिकेगा। अगर आप ग्रामीण एरिया में बेचना चाहते हैं तो आप जैसे घड़ी के लेवल का लाइए, व्हील का लेवल का, टक्कर का लाइए, निर्मा के टक्कर का बनवाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप दोनों तरह के लीजिए, आप एक हाई उतारिए, एक मीडियम उतारिए, दोनों क्वालिटी लेकर के मार्केट में आइए। दोस्तों विश्वास मानिए, जितना आप दुकान पे बैठ के कमाएंगे उससे ज़्यादा कम मेहनत, 3-4 घंटे भी मेहनत करेंगे तो भी उससे ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि फील्ड में पैसा किस में है, मार्केट में है। आप दुकान खोलते हैं, दुकान पे बैठ के आप ग्राहक का इंतज़ार करेंगे, जब ग्राहक आएगा तो आपका सामान बेचेगा, जो 20-25% होगा वही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी दुकान आप कवर कर लेंगे उतनी दुकानों को जो है उतना माल अपना बेच लेंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए हमारे हिसाब से जो हम लोग देखे हैं वो हमारा भी 28 से 30 साल का अनुभव है कि ज़मीनी हकीकत में अगर आज आपको आगे बढ़ना है, अपने पहचान बनाना है, हम दूसरों को न पहचान बना के अपने ब्रांड लेकर के मार्केट में उतरें, थोड़ा बिचेगा लेकिन हमारे धीरे धीरे ब्रांड बनेगा। कोई भी आज किसी का भी कंपनी का ब्रांड बना है तो उसको भी समय दिया है। जैसे कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, दोस्तों होता है, समय देना पड़ता है, वो भी समय दिए हैं, 10 साल दिया है, कोई 20 साल दिया है, कोई 25 साल दिया है, कोई 40 साल दिया है, दिए हैं, सब समय दिए हैं, तब आज ऐसो आराम कर रहे हैं। आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। आप इतना सोचो आज ही मैं लॉन्च कर दूं और आज ही मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं तो ऐसा शायद नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, पैसे का गम नहीं करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। आप एकाएक भी मार्केट में छा जाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग छाने वाले हैं। जो आप किसी का, मैं किसका एग्जाम्पल दो, आप खुद देख लीजिए, मामा अर्थ है, अभी 5-6 साल हुआ है, कितने करोड़ का टर्नओवर है, नायका कंपनी के लॉन्च करने वाली 5 साल की लेडीज है, उनका भी आप देख लीजिए, उन्होंने भी 5-6 साल हुआ है तो मार्केट में नहीं थे क्या, मार्केट में और नहीं आके ब्रांड, ब्रांड बनते हैं दोस्तों, ब्रांड बिगड़ते भी हैं ये, बनते भी हैं, बस हमारे अंदर कितना पैशन है, हमारे अंदर कितना सहनशीलता है कि हम कितना दिन तक टिक सकते हैं मार्केट में, मार्केट भी अंदाजती है कौन कितना दिन तक टिकता है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, मेहनत करिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांड नहीं बनेगा, अगर ऐसा होता तो जो ब्रांड चल रहा है बीच में नहीं, कितनी कंपनी हम आप नहीं जानते, तो करना पड़ता। ये हो गया दोस्तों एमआरपी, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो फिर हिसाब से डील डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक्सपायरी की बात होती है दोस्तों, 2 साल एक्सपायरी होती है, 1 साल एक्सपायरी होती है, उसमें ख़राब होने की कोई चांसेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब बात आती है, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं, बात हम कर लेते हैं एमआरपी और ट्रेड। जैसे हमने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे 1 kg पैक का लिया हमने, जो पॉपुलर बिक रहे हैं उनका हमने रेट लिया है 115 रुपये। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा होगा TR NTR प्रॉफिट। TR का मतलब ट्रेड रेट जो आप दुकानदार को दोगे, NTR का मतलब नेट रेट आपका जो होगा, जो आप बनवाओगे मैन्युफैक्चरिंग, और प्रॉफिट का। तो दोस्तों जैसे हमने 115 रुपये ले लिया है मार्केट के रेट में, तो आप दोनों जिस तरफ से आप लूज वाला भी लाते हो उसी तरफ से आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, हम यहाँ समझने के लिए लिए हैं। तो जैसे 115 है, इसको हम 20% डिस्काउंट करेंगे तो हमारा ट्रेड रेट आ जाएगा 92 रुपये में हमको किसको देना है, दुकानदार को देना है। उसके बाद 92 का 50% जैसे हम, आप जानते हैं कि कंपनियां जो है अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए उनका जितना लागत आता है उससे 50-60% कंपनियां खर्च करती हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिक तक पहुंचाने में, उसको प्रमोट करने में, उसको ब्रांड बनाने में। लेकिन जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं, वो वही 50-60% ले करके, मतलब वही काट के आपका देती हैं, माल बनाती हैं। तो उसकी बात करें तो हम यहाँ पर निकाले हैं 50%, अगर 50% करते हैं तो ये आ गया 46 रुपये, यानी 46 रुपये kg हमारा अच्छा ब्रांड का बन जाएगा
पाउडर नंबर वन। अगर 41 केजी की बात करते हैं तो 40 फिक्स है, 46 हमारा 1 केजी पे प्रॉफिट आया। चलिए हम इसको 46 भी नहीं मानते हैं और हम खर्चे मान लेते हैं। आप एमआरपी मान लीजिए, उसमें कम देसी कर सकते हैं, वो आप अपना हिसाब से। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये केजी का रेशियो लेके चलते हैं। 46 ना बजाए हम यहाँ पे लेते हैं, ये 46 है दोस्तों, हम यहाँ 20 रुपये पर केजी, हम यहाँ पे 20 रुपये पर केजी का अगर रेशियो लेके चलते हैं तो ये एक ऐसा ब्रांड है किसी भी दुकान पे आप निकलेंगे दोस्तों 5 किलो 10 किलो 20 किलो से कम नहीं लेगा। 10 किलो भी ले रहा है तो भी दाम 200 रुपये आपका हो गया। आप 20 दुकानों पे दीजिए, हो सकता है ऐसे धीरे धीरे आप जितना भी मार्केट बना लें तो भी आप जो दुकान खोल के बैठेंगे उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, प्लस आपका ब्रांड बनता जाएगा, ब्रांड बनता जाएगा। करके देखिए दोस्तों, आप खुद जान जाएंगे प्रॉफिट है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप 20 दुकान को भी कवर कर ले रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 2000 हो गया। 2000 का मतलब 60,000 हो गया, 60,000 का मतलब एक साल का, और ये 60,000 रुपये हो गया ऐसे ही मामूली सी दुकान। जब आप अपना काम समझ के करेंगे और ज़्यादा दुकानों पे कवर करेंगे, जितना दुकानों पे कवर करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और ये इसका सेल्फ करने का एक तरीका होता है, एक हफ्ता टर्न कर लीजिए, मंडे को इस मार्केट में, मंडे ट्यूजडे को उस मार्केट में, इसी हिसाब से हफ्ता बांध लीजिए। एक हफ्ते बाद फिर विजिट करेंगे, वो माल देखिए क्या निकला है, फिर उनको माल दीजिए। अगर हम सेल्फ की भी बात करेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, कुछ दोस्त कहते हैं कि मेन बात पे बताया करिए, तो सेल्फ के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें देख लीजिएगा दोस्तों। बात आ गई ये प्रॉफिट, अब बात आ गई हमको बनवाना कहाँ से। जैसे आप अगर कंपनी का नाम नहीं पता है तो कहीं पर चाहेंगे तो हम भी हेल्प कर देंगे, नहीं तो आप गूगल पर चले जाइए दोस्तों, आप वहाँ पर डालिए थर्ड पार्टी वॉशिंग पाउडर निर्मा या की, तो बनाने वाली सारी कंपनियों का डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उनसे आप बात करिए। बात करने के बाद विजिट करिए, विजिट करने के बाद सारी डिजाइन सब कुछ बात करने के बाद, और जब आप वहाँ बात करेंगे वहाँ क्वांटिटी पूछेंगे कितना आप बनवाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा बनवाना चाहेंगे तो उसमें रेट कम देसी भी हो सकता है, अगर कम बनवाएंगे कम बैच का लेके जाएंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बड़ी बैच आप लगवाएंगे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कितना आप बनवाना चाहते हैं। ये हो गया, वहाँ से भी खोज सकते हैं। और आप अपना जो है इंडस्ट्रियल एरिया जैसे है हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, गाजियाबाद, ये सब जगह, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, केरला, सब जगह, सब स्टेट में, बड़े बड़े स्टेट में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहाँ टहलते हुए टहलिए भी और कंपनी में विजिट करिए, वहाँ पे भी खोज के आप बनवा सकते हैं, देख सकते हैं, रेट ले सकते हैं। रेट लेने के बाद आप कभी भी इतने एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी क्वालिटी और क्वान्टिटी से समझौता मत करिएगा, और समय मार्केट को देखते हुए अपने प्रोडक्ट में, अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते रहिएगा, लेकिन ब्रांड को नहीं गिराइएगा, क्वालिटी को और क्वांटिटी को मत गिराइएगा। जिस हिसाब से कंपनी में टक्कर आए उसी हिसाब से कंपनियों को टक्कर को देखते हुए अपने में भी सुधार करते रहना चाहिए दोस्तों, तब आप कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर बटन दबा दीजिए, आपके पास जितने यार दोस्त हैं भेज दीजिए, हो सकता है ये आपके काम की ना हो, आपके यार दोस्त कोई करना चाहते हैं उनको हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, हो सकता है कोई और वीडियो बनाए वो आपके काम की चीज़ हो, आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप इतने प्रेम से, इतना प्यार देते हैं, अच्छे से पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।